दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं हर बार आपके लिए लेकर आता हूं एक नई दिल दहला देने वाली कहानी। चुड़ैल। चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है ये चुड़ैल, मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, ये उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हमारी हड्डियां तक गल जाएं। वो तो उस अलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों की चढ़चढ़ाने की आवाज हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि बस कैसे भी ये रात कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। हम रात में इतनी ठंड में वहां क्यों थे, हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे पर थी, बिल्कुल सुनसान अनजानी सी, हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई। लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी, फिर हम यहाँ कैसे पहुंचे? हुआ यूं कि मैं और मेरे दोस्त हरीश और गुलमोहर को हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20-30 किलोमीटर ही चले होंगे कि हमारी गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू कैसे गाड़ी चला रहा है, आराम से चला, सारी नींद खराब कर दी। गुल्लू झल्लाते हुए बोला, तो तू चला ले, आ चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है, चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। गुल्लू बोला, पता नहीं यार, ऐसा लगा कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए मैंने गड़बड़ी में गाड़ी रोक दी। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे, देखा इंजन गर्म हो चुका था, बोनट से धुआं निकल रहा था। हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आता हूं। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो ठंडी करो गाड़ी को। हरीश की आवाज बैठी हुई और भर्राई सी थी, ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर उसे खिला दिया था, तब से उसकी आवाज बैठी हुई भर्राई सी हो गई थी, कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की, फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया था। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मेरी ओर उछाली और कहा, अब तो खुद चला ले इसको और आराम से चलाइयो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अब हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए, तभी मेरी नजर पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। ओए गुल्लू, पेट्रोल खत्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल से हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे यार, रास्ते में भरवा लेंगे, तू बस चल। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, पूस की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे दो हिस्सों में बट गया। मैंने पूछा, गुल्लू कौन सा रास्ता पकड़ना है? तो हरीश बोला, वो देख उस रास्ते पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट चलते हैं। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है वहां से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा और बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है, हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 15-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि हमारी गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई। गुल्लू बोला, अब क्या हुआ, चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल खत्म, ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था कि पेट्रोल भरवा कर लाना गाड़ी, ये ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई भर्राई आवाज से बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसे ले आया, अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पे बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशाल काय बरगद का पेड़ है, वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है, वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बामुश्किल एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाएगी। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकी हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी, डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं
कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हों। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम पेड़ के बिल्कुल बगल से गुजर रहे थे, अचानक ही मेरी नज़र पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ आ गया कि ज़रूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल धागे से बांध दिया और भगवान की तस्वीरें रख दी। शायद तभी वो पेड़ सिर्फ हमें घूर ही रहा था, कुछ कर नहीं पाया। वही पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे, शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान सी बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से होकर गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और सिर्फ हम तीन दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात और, काफ़ी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था, पता नहीं क्या था वो। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और हम तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी, पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो यार बाहर चलकर अलाव जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो चुकी थी, 12 से 1 के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठी की और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसे लाइटर से आग लगा दी और अब हम आग सेकने लगे। आग सेकते सेकते हम गप्पे मार रहे थे। वहीं थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाजा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को पूछा कि पढ़ के बता क्या लिखा है। गुल्लू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने की कोशिश की मगर उसे पढ़ा नहीं गया। वो बोला, अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखाओ, एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था, उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी, ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने जलाने के लिए काफ़ी लकड़ियाँ जोड़ ली थी, इससे आग काफ़ी तेज थी। हम बातें कर ही रहे थे तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ। चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई, क्या होती है ये चुड़ैल, मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया हो। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो तू डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, उसके बारे में बात करने से कौन सा वो यहाँ प्रकट हो जाएगी, डर तो अब तुम लोग रहे हो। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में, मैंने बहुत सुना है। वो अपनी भर्राती हुई डरावनी आवाज के साथ चुड़ैल के किस्से सुनाने लगा। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता, चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है। हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा, कैसे। हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वह बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है, उसके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आता है, बाल उलझे हुए बिखरे हुए, ठोड़ी नुकीली लंबी सी होती है, चेहरे पर झुर्रियां छाए रहती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी, ये किसी की भी आवाज़ निकाल कर तुम्हें बहला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हारे किसी चहेते की आवाज़ इस तरह निकाल कर पुकारती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो, और तुम झट से दरवाज़ा खोल देते हो और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाती है। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है, उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती है। इतने में गुल्लू बोला, डायन भी तो यही करती हैं, पुरुषों को अपने वश में करती हैं, तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ है। हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसे बताया कि मरने के बाद बनती है, मगर डायन एक जिंदा स्त्री होती है, वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती हैं। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी, मगर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले से मरी हुई है। मैंने पूछा, तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता।
गुल्लू बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था, करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा, नालेबा का। हरीश बोला, तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या बला है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कल आना। मैंने कहा, अच्छा तो सुनाओ कहानी। गुल्लू हरीश की ओर देखकर बोला, कहीं तुम श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उसके एकदम उलट है। मैंने कहा, एकदम उलट है, वो कैसे? हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे। दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था, नालेबा मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई, एक कब्रिस्तान में आधा मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दों को दो हिस्सों में रखा जाता था, एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। बस इसीलिए इनके खाने की व्यवस्था कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए। यदि कोई ने देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चले जाए। गुल्लू ने फिर उत्सुकता से पूछा, और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था? कौन देता था इतना खाना, और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? हरीश बोला, एक साथ इतने प्रश्न, सबका जवाब देता हूं, रुको। जब भी खाना खत्म होता था तो उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहां भेड़ बकरियां बात कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती क्या? हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी नहीं सहन कर सकती, इसलिए वो रात को ही बाहर आती है। गुल्लू ने पूछा, अच्छा एक बात समझ नहीं आई कि कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही था, तो फिर किस लिए लिखा जाता था? इस पर हरीश का जवाब था, गांव से बाहर के लोगों को नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ लगा हुआ गांव है। बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहां ना रुके, इसलिए लिखना जरूरी था। मैंने भी उत्सुकतावश पूछा, और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? हरीश ने बताया, गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। हरीश आगे कुछ कहता, मैं तपाक से बोल पड़ा, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं। बहुत ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर की शक्ति कम होने लगेगी, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। फिर मैंने एक और सवाल पूछा, अच्छा वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? हरीश बोला, वो सामान्य जन के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होती थी उनको वहां दफनाया जाता था। गुल्लू बोला, और वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती थी। जब तक वो मिल नहीं जाता वो कुछ खाती पीती नहीं थी। पूरा दिन घर में काम करती थी, शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेली ही सारा काम करती थी, फिर भी उसके घर वाले उसे ताना मारा करते थे।
वो कुछ न कहती थी, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती थी। वो बहुत परेशान थी, भोली ही एकमात्र उसका सहारा थी, उसी से वो अपनी सुख दुख की बातें किया करती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था, भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों से कूदकर भाग गई। वो भोली के पीछे दौड़ी, उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई, वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नजर दीवार पर लिखा नाले बा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, पर वो बकरी बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था, चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होठों से आवाज लगाई, भोली, और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। बिखरे हुए बाल थे उसके, चारों ओर खून बह रहा था। वहां जमीन पर बैठी कुछ खा रही थी, चारों तरफ उसके चबाने की आवाज गूंज रही थी। वो स्त्री उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम गई, उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वो डर से थर थर कांप रही थी, फिर भी उसने डरते डरते आवाज दी, भोली, भोली। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक से दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सिर घुमा दिया। अब वो उस स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी, और उसके हाथ में थी भोली जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया, और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर का धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को इसका आभास हुआ, उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए, और अब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि अब वो कब्रिस्तान से बाहर आ सकती थी, गांव में भी प्रवेश कर सकती थी, क्योंकि उसे अब पूरा शरीर मिल चुका था। अब वो चलने फिरने में सक्षम थी। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को खुद में मिला लिया था, और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। आलम यह था कि जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में आती, आवाज लगाती, और जो भी पुरुष दरवाजा खोलता वो उसको साथ लेकर हवा में गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की, और इसका उनको एक ही उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था, और वो उपाय था कि सबने अपने दरवाजों पर लाल स्याही से लिख दिया नालेबा, जिसका मतलब था कल आना। ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर जाती तो उसके घर के बाहर नालेबा लिखा हुआ देखती और वापस चली जाती, और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा पाती और वापस चली जाती। इस तरह ये क्रम चलता रहता और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते। परंतु ऐसा करने से उसकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा। वो डरे सहमे से रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर होता जा रहा था। रात को उन्हें किसी कार्य से बाहर जाना होता, मगर वो जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया, और वो गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है, और वो चुड़ैल भी। उस चुड़ैल का दायरा बहुत अधिक बढ़ चुका है। वो आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है, और पुरुषों को तो अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब वो चुड़ैल सिर्फ कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर वो सुनसान रातों में भटकती रहती है, और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। वो किसी स्त्री का या किसी पुरुष का जिस प्रकार संभव हो सके उसी रूप में लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ जानवर भेड़ बकरियां नहीं खाती, बल्कि अब वो इंसान को खाती है। कहते हैं कि वो खंडर हो चुका गांव, कब्रिस्तान, चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलोर मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया
फिर भी कोई वाहन वहां से नहीं गुजरता क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नजदीक उसकी दहशत बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा। हमारा शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नजर अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने वाला था। फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि वो अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपश ले सकें। हरीश ने कहा, मुझे मालूम है लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। वो उसी दीवार की तरफ गया जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने उसके पीछे चला गया। मैं भी उनके साथ हो लिया। हरीश थोड़ा तेज चल रहा था, वो हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वो लकड़ियां लेने दीवार की दूसरी तरफ चला गया। तभी मेरी नजर उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू से कहा, अब पढ़, अब हम इसके काफी नजदीक हैं, अब समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। उसको पढ़ते ही गुल्लू की जुबान जैसे हलक में अटक गई हो, ऐसा लगा जैसे वो कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पाया। मैंने गुल्लू को झिझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें। वो घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा। और मेरी नजर उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वो पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गांव मिला था वहां भी दरवाजों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं। अब वो चुड़ैल हमें अपने चंगुल से बचकर जाने नहीं देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज देने लगे, जल्दी निकलो यहां से, हम फंस चुके हैं। और ये कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हरीश शायद लकड़ियां ढूंढते ढूंढते आगे निकल चुका था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी केन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम पर चिल्ला रहा है, क्या यार तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए, मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था, मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। वहीं पीछे ही पेट्रोल पंप दिख गया था मुझको, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर मैं पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था कि अभी 5 मिनट में आता हूँ, फिर भी तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले आए। हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था। हम दोनों डरे सहमे उसको देखे जा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फोन भी नहीं लग रहा था, कब से पैदल चल रहा हूँ, एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी, फिर बाईपास के नजदीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा और गाड़ी का नंबर बताया कि इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है, मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया और बोला कि मुझे नहीं मरना वहाँ जाकर, ये कहकर उसने मुझे बाईपास के पास ही छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिक्की में रखा और बोला, अब ऐसे क्या देख रहे हो, चलो गाड़ी में बैठो, घर नहीं चलना क्या। हम हैरानी से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ हमारी ओर आया, अरे देखो भाइयों मैं लकड़ियां ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियां लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर थर कांप रहे थे, हमारे दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, इधर भी हरीश उधर भी हरीश, कौन सही कौन गलत, हम किस मायाजाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियां लिए हुए हरीश हमारे नजदीक आया, उसकी नजर हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उससे बच पाना मुश्किल था। वो हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया, जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई। हम तीनों अलग अलग दिशा की ओर भागे। फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वो बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर बच्चे को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है।
और वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहां से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के पेड़ के नीचे दफनाना था। ये कार्य बहुत कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते छिपाते कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहां हमने उस महिला की लाश को देखा। वो लगभग गल चुकी थी, उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने गौर से देखा तो उसके पेट वाले हिस्से पर एक छोटा सा कंकाल था। वो निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया और उसके बच्चे को उठाते ही वो चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमला करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे हम बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे और वहां जाकर हमने तुरंत उस बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद के पेड़ पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वो हमें लगातार परेशान कर रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए। अब गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हम हमें चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वो सब कब्रिस्तान के बाहर थी क्योंकि जो चुड़ैलें थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। जब हमने बच्चे को दफना दिया तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल गई और इस कारण सभी चुड़ैलें औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल गई। अब बचना हमारे लिए मुश्किल और नामुमकिन लगने लगा था। हम सबको काफ़ी चोटें आ चुकी थी, हम लहूलुहान थे। अब तो सिर्फ वहाँ से भागकर ही अपनी जान बचाई जा सकती थी, परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का? थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हो चुके थे, अब हम नहीं चाहते कि हमारा और खून बहे और हम इन चुड़ैलों का भोजन बन जाए। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पीछे बड़े अक्षरों में लिख दिया, नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैलें हमारे पीछे आई, परंतु गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखकर वहीं रुक गई और हम सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गए।